इतना खूबसूरत लग रहा है ना देखते हैं, है ना। गाइस हमारी जो गाजर जो है वो उबल चुकी हैं, देखिए गाइस मैं मिक्सर से इसे ऐसे से चलाऊंगी, बहुत सारा बन गया गाइस क्योंकि हमें थोड़ा ज्यादा सो है। अच्छा राधे राधे गाइस, आप सब कैसे हो, पी सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जो है आज जो है हमारे यहाँ बन रही है सर्दियों की सबसे फेमस डिश, वो क्या है, गाजर का हलवा। तो यहाँ हो रहा है गाजर का हलवा रेडी, जिसे भैया खाना है तो सब मिलके ही बनाएंगे। तो मैं लेके आई गाजर। पापा नहीं खाएंगे, बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हो। मेहनत नहीं कर रहा, देखिए ये बच्चों को संभाल रखा मैंने, मेहनत नहीं करूँ। अभी उठाया बिल्कुल, अभी उठाया तो नहीं, मेहनत इतनी करिए कि ये हमें गाजर दिला के लाए है। और जो है कृष्णा ने, ये 3 किलो गाजर है और कृष्णा ने गाजर छीली है सारी मेरे बेटे ने, बहुत अच्छी। और आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल बिल्कुल टाइम ना लगने वाला गाजर का हलवा, इंस्टेंट हलवा बनाऊंगी और कितना बढ़िया बनाऊंगी आप सब जरूर देखना। तो गाइज अब मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा, कृष्णा ने छील के धो के रख दी थी और जो है मैंने काट ली है। अब मैं इसको जो हूँ इसमें कुकर में डालूंगी 1 चम्मच घी और इसमें गाजर डाल के और 2 सीटी लगाऊंगी, उसके बाद उसे दूध में मैश करूंगी। तो गाइज इसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच घी भर के और जो है ज़्यादा नहीं डालूंगी, और इसमें डाल दूंगी अब सारी गाजर। तो गाइस मैंने जो है सारी गाजरें डाल दी हैं और इसे घी में अच्छे से मिला लूंगी और फिर जो है इसमें 2 सीटी लगवा दूंगी। पानी मैं डालूंगी इसमें आधी कटोरी से भी कम, तो गाइस बस मैं इतना सा पानी डालूंगी इसके अंदर ताकि जो है नीचे आ बने और इसे मिला दूंगी अच्छे से। तो अब जो है मैं कुकर को बंद कर दूंगी, ये देखिए गाइस, क्योंकि गाइस मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं इसे कद्दूकस करती। गाइस हमारी जो गाजर जो है वो उबल चुकी हैं, देखिए जो ही इसे मैश करूंगी और मैश करने के बाद ये हो रहा है दूध गरम, इसमें डाल दूंगी गाजर और अच्छे से पका के मावा डालूंगी ऊपर से और जो है फिर रेडी हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स आपको दिखाते हैं कैसे कैसे है, एकदम बन जाएगा ये हलवा। तो गाइज मैंने जो गाजर को मैश कर दिया अच्छे से और अब मैं जो इसमें डाल रही हूँ, अभी सारी डाली नहीं मैंने, मतलब इतना अच्छा मेथड है आपको घिसने का या किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए गाइस कितना अच्छा हो गया, अभी इसमें मावा डलेगा, इसमें पकाऊंगी काफ़ी थोड़ी देर तक और इसमें मावा डलेगा और बढ़िया। अगर आप गाजर में दूध डाल के उबाल लें तो उसमें मैश करना पड़ेगा, लेकिन मेरी गाजर थोड़ी ज़्यादा थी, कुकर में इतनी जगह नहीं हो पा रही थी तो मैंने अलग से करा है। देखिए गाइस गाइस ने मिक्सर से इसे ऐसे से चलाऊंगी, बहुत सारा बन गया गाइस क्योंकि हमने थोड़ा ज़्यादा बनाया है, वरना 1.5 किलो गाजर का तो बहुत जल्दी बन जाएगा। हमने बनाया 3 किलो गाजर का क्योंकि सबको बहुत पसंद है, कृष्णा को तो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए देखिए गाइस इतना अच्छा हो गया, बढ़िया एकदम मार्केट जैसा। अभी इसमें ड्राई फ्रूट्स डलेंगे और मावा डलेगा। तो गाइज ये है मावा, अब मैं इसको गरम करूँगी और जो है फिर डालूँगी हलवे में, हलवा मेरा हो गया रेडी। और ये है ड्राई फ्रूट्स डालूँगी थोड़े से, ये ज़्यादा नहीं, थोड़े बादाम, काजू, किशमिश, ये गोला जरा सा रखा था, गोला रखा तो बहुत है बट मैं गोला ज़्यादा नहीं डाल रही, ये बस इतने से ड्राई फ्रूट्स हैं, इन्हें मैं अभी कट करूँगी तो डबल हो जाएंगे। मावा जो है मावा गरम कर लूँ और ये देखिए बिल्कुल हो चुका है रेडी। तो गाइस मावा हो चुका है, गाइस मावा बहुत अच्छा है, घर का है बिल्कुल, जो हमारी आंटी हैं दूध वाली उनके यहाँ का, उनकी शॉप का है। और देखिए जब मैं इसको गर्म कर रही हूँ ना कितना घी सा निकल रहा है, देखिए गाइस मतलब बहुत अच्छा मावा है, ये मिलावटी नहीं है बिल्कुल, गाय के दूध का शुद्ध मावा है ये।
कितना खूबसूरत लग रहा है ना, देखते हैं है ना। मैंने माँ बाबी इसमें मिला दिया है, ये देखिए, और बिल्कुल कृष्ण ऐसा लग रहा है, बिल्कुल हलवाई वाला हलवा, ये देखिए। तो गाइस मैं डाल रही हूँ चीनी, मीठा नहीं करना। फाइनली गाइस जो है मेरा गाजर का हलवा हो चुका है रेडी। ये तो थोड़ा सा है बाउल में, बहुत सारा ये है कढ़ाई में। तो जो है अब मैं जो हूँ रिव्यू लेने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने पहले जो है तो मैं जो हूँ चखने के लिए लेके जाती हूँ। अभी मुझे कुछ नहीं पता मीठा कैसा है कैसा नहीं है। तो ये जो जा रहा है सबसे पहले हेड ऑफ द फैमिली, ये बैठे हैं, ये ज्यादा नहीं खाएंगे, चक्के बताएंगे बस हमें। और यहाँ पे जो है आग सेकी जा रही है, हाथ सेके जा रहे हैं। सो है अच्छा, ज्यादा मत बनो, ज्यादा गल गया, ज्यादा गल गया। अच्छा कैसा बना है? शानदार, जबरदस्त। जोर से बोलो शानदार। तो गाइस इन्होंने तो कर दिया पास, अब लाओ, अब जाएगा मेरे जिसके लिए बनाया है जबरदस्ती। कैसा बना है कृष्णा? बेडशीट देखो कैसे कर रखी है। हाँ अब सक्षम चक के बताएगा। अरे अभी, हाँ अभी 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 सक्षम बताएगा। सक्षम कैसा है? अच्छा है। अब सिद्धि बताएगी। सिद्धि चक के बताओ। कैसा है? अच्छा है। तो गाइस मैंने तो अपने बच्चों के लिए बना दिया सर्दियों की फेमस स्वीट डिश जो है गाजर का हलवा। और जिसने नहीं बनाया है वो भी बनाइए, खाइए, मजे करिए, ठंड का मजा लीजिए। और मेरा अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। सारे बच्चों को सर्व करके दे दूँ अलग अलग, वरना लड़ाई हो जाएगी इन लोगों में। हाँ ठीक है।